ये कि मेरे को मेरे दोस्त ने सरप्राइज करा है, तो जो कि 3 महीने से सरप्राइज था, आज देखते कि क्या है इसमें। खोलते रहो क्या। वैसे चलो ओ बेटे, ये देखो बेटे, यहाँ तो ऐसे खैर भैंस की पूरी दीवार गई है, तो यार आराम से चलना पड़ेगा। ओए राइट, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज का जो दिन है, ये बताता हूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ कोसी साइड। तो कोसी में मैंने पिछले वाले ब्लॉग में डैम नहीं दिखाया था, क्योंकि बहुत मतलब कुछ इशू हो गए थे, कुछ हो गया था वहाँ पे, वो कुछ चोरी वगैरह हो गई थी, तो उन्होंने जाने नहीं दिया, बंद कर दिया था उस टाइम। हमारा डैम देखना वो रह गया था। सो गाइस आज चलते हैं, आज संडे है, देन देखते हैं कि वहाँ डैम खुला नहीं, क्योंकि वहाँ वो लेते ना एंट्री वगैरह, तो देखते हैं कि जाने देते हैं या नहीं देते। सो आज आपको कोसी का एक मात्र डैम वो भी दिखा दूंगा, तो चलते हैं। एंड बिंदु वाली बात अभी बताऊंगा, रास्ते में बताऊंगा या कुछ भी, देखते हैं कि क्या सीन है। सो अभी मैंने वही स्वेटर पहनी है कल वाली गाइस, कोई नहीं ठंडा हो रहा ना इसलिए। सो अभी तो भाई देख रहा है, तारक मेहता चल रहा है पीछे, वहाँ बैठे हो तारक मेहता देख रहे हैं। और राइट, सो गाइस यार चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और जो झरना है ना वो वहाँ पे कोसी वाले पे, तो वो झरना भी गाइस आपको मैं दिखा दूंगा, और डैम भी आज देख ही लेंगे, अगर एंट्री हुई तो देखेंगे, क्योंकि मैं पहले से नहीं बताता हूँ ना, वहाँ जाके पता नहीं क्या हो जाता है, क्या सोचता हूँ क्या होता है। तो गाइस जो भी है बहुत मजा आने वाला है, मेरे साथ एक झरना आ रहा है, मैं बताऊँगा कि क्या है, बिकॉज क्या पता उसको कैमरा फेस करने में थोड़ा वो होता हो, तो इसलिए पहले पूछ लेंगे, फिर देन फिर बताऊँगा कि मैं कौन आ रहा है मेरे साथ। गाइस मैंने ये रास्ता सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, देख लो तू, ध्यान से जाना पड़ेगा, गिर ना जाऊँ कहीं, फिसल गया काम 25 हो गए बेटा, ये कैसे हो रहे, कभी हाँ सीधा रास्ता हुआ करता था गाइस, ये देखो खतरनाक बेटे, ये देखो बेटे, यहाँ तो ऐसे खैर भैंस की पूरी दीवार गई है, तो यार आराम से चलना पड़ेगा। ओए हो, ये देखो कहाँ से आया हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ, ऐसा हो रहा है रास्ता। सो गाइस रास्ता देखो तुम्हें कितना खतरनाक हो रहा था, मैं तो कितने दिनों से आ रहा हूँ, मैं तो पता है धूप लग रही कहती, मेरे को तो पता भी नहीं था रास्ता ऐसा हो रहा है, तो देख लिया होगा कितना खतरनाक रास्ता हो रहा है। सो गाइस मैं रुका हूँ, देखते हैं कि कब तक आती हैं। सो ये मौसम देखो, बाकी यार यहाँ का इतना बड़ा पेड़ हुआ करता था, जो कि अब नहीं है, बट अब शायद ये बन रहा है, वो पता नहीं यार पेड़ के अंदर से एंगल से क्या लगा रखा, मेरे को समझ में नहीं आया, शायद कुछ हो। सो ये देखो यहाँ पे कभी इतना बड़ा पेड़ हुआ करता था ना, बहुत बड़ा, तो वो बारिश वगैरह आती है ना पहाड़ों में, इसलिए टूट गया यार, आधी तूफान चली थी उस दिन, तब टूट गए थे पूरा, रिपेयर करवाया फिर, जो भी है गाइस फिर बढ़ जाएगा, फिर अलमुड़ी की शान बन जाएगा ये पेड़। सो अभी वेट करते हैं कि कब तक आती है गाइस, अभी हम चल रहे हैं, बाकी वो आ गई थी, अब क्या उनका थोड़ा प्रॉब्लम है ना, फैमिली प्रॉब्लम, इसलिए फेस नहीं कर सकते कैमरा। सो गाइस हम चलते हैं, एंड देन आज आपको दिखाएंगे डैम और जो झरना है ना, वापस चल रहे हैं, बहुत दिनों से यार मैं भी बाहर नहीं गया था, तो अभी चल ही रहे हैं, वो मेरे पीछे बैठी है, फेस रिवील नहीं कर सकते गाइस सॉरी। तो अभी हम चलते हैं, और तुम ब्लॉग कैसे इंजॉय करते रहो, तो आज आपको डैम भी दिख ही जाएगा। गाइस फाइनली अभी हम कोसी पहुंचने वाले हैं, देन उसके बाद चलेंगे डैम, और उसके बाद जो झरने में जाएंगे, जो वहाँ पहले हमने ब्लॉग बनाया था ना, वहाँ पे चलेंगे। और मौसम आज बहुत सही हो रहा है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं हो रही है, ठीक ही लग रहा है, तो वो पहले क्योंकि आज तो ऐसे इंजॉय करो वीडियो को आप। सो गाइस ये है कोसी वाला पुल, देन अभी हमें डैम को जाना है ना, तो हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे,
अच्छा तो गाइस चलते हैं। ये देखो यार कितना ऑसम लग रहा है। फाइनली हम पहुंच गए हैं कोसी बैराज और आपको डैम दिखाता हूँ। दिस गाइस तो गाइस ये है डैम, देखो वो उधर है, तो हम इस समय उधर ही दिखाता हूँ, आज पास जाके देखेंगे सो पूरा दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो नीचे को, अभी हम रुके थे ना थोड़ी देर, तो अभी चलते हैं देन देखेंगे क्या सीन है। वो नीचे जाएंगे बिकॉज मैं हमेशा यहीं आता हूँ, यहीं से बोल के वापस चल जाता हूँ, क्योंकि वो हो नहीं पाता ना एंट्री, वो विंडो चोरी वगैरह हो गई थी इसलिए नहीं गए। तो अभी चलेंगे, कितने बार बोलता हूँ यार ना, तो पूरी लैंडस्लाइड हुई है, देखो पूरा पहाड़ नीचे आया है, सब नीचे उतने ऊपर से आए वो। ये देखो पूरा खतरनाक गाड़ी निकाल दिए, पर ये देखो एक छोटा सा गड्ढा वहाँ हो रहा है और ये पूरी रोड ही गई यार, ऐसा हाल हो रहा है। मैं इसके पीछे साइड आ गया था तो यहाँ एक व्यू लेना था मेरे को। तुम्हें दिखाता हूँ कैसा हो रहा है डैम का हाल। तो फर्स्ट ये देखो, ओए इसमें से तो थोड़ा सा निकल रहा है पानी और ये पूरा रोका है देखो। अब दूसरे वाले में चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा डर इसको देख के लग रही है मेरे को यार। ये देखो ओ ओ बेटे, यहाँ से तो कुछ भी लग रहा है, आगे से दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो एक थर्ड वाला दिखाता हूँ मैं पहले आपको, तो ये तीसरा और आवाज़ देखो कैसी आ रही है, खतरनाक। इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, इधर से ये देखो ओ तेरी। मैं अभी यहाँ पर हूँ डैम के ऊपर और डैम दिखा देता हूँ मैं, डैम के क्या हाल हो रहे हैं और रास्ते के भी क्या हाल हो रहे हैं, और बस ये सब कुछ था यहाँ पे, बाकी और चीज़ दिखी तो दिखाऊंगा। और उसके बाद अभी हम जाएंगे झरना जो नहीं है, जहाँ हम झरने में गए थे पहले, हाँ वही, तो वो भी चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, तो देखना बहुत सही है वो भी, मतलब वहाँ भी बहुत कतई व्यू आता है। मैं सोच रहा था एक बार हल्के से आगे से ले लूँ कि आगे से कैसे दिखता है। आगे का ये सीन है और यहाँ से लग रहा था बहुत खतरनाक वाला व्यू जो दिख रहा था ना, यहाँ से दिख रहा था, तो यहाँ से भी दिखा दिया। अब थोड़ा नीचे को जा रहे हैं, एक दो फोटो शूट करेंगे देन उसके बाद वहीं चलेंगे, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। बाकी अभी धूप लग रही थी ना इसलिए, धूप आ रही है बट सही हो रहा है मौसम, ठंडा भी हो रहा था और धूप भी आ रही है, दोनों चीज़ें सही हो रही है। तो अभी तो चल ही रहे हैं, कहीं आगे बैठते हैं फिर देखते क्या है। यहाँ कितना शांति होती है ना यार, मतलब मजा आ जाता है ऐसी जगह आके। देख लो तुम, आज बाहर आ गया हूँ वो भी इनके चक्कर इनके। तो गाइस ये मेरे को मैं दोस्त ने सरप्राइज करा है, तो जो कि 3 महीने से सरप्राइज था, आज देखें कि क्या है इसमें। सो चलो खोलते रहो, क्या तुमने इतनी मेहनत करी है, उसमें डेरी मिल्क भी है, इसमें मेरी सारी सब चीज़ है यार।
तो मेरी सारी फोटोज है, सारी फोटोज मेरे को पता नहीं जाए तुमने कितनी मेहनत करी होगी सच में। तो यार मेरे को मजा आ गई, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। गिफ्ट देगा ना, वो मेरा बर्थडे गिफ्ट भी था और सरप्राइज भी था एक तरीके से, मतलब दोनों चीज़ें थी। तो इन्होंने अपने हाथ से खुद बनाया और खुद इतनी मेहनत करी है यार, थैंक यू सो मच। तो फेस रिवील नहीं करा सकता यार, मजबूर हूँ ना। तो जो भी यार, मेरे को मज़ा आ गया ऐसे गिफ्ट में। लाइफ में पहली बार मेरे को ऐसा सरप्राइज मिला था और ऐसा गिफ्ट भी पहली बार मिला है, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पे हर चीज़ हो। वैसे तो रेस्टोरेंट में मिलता है सारी चीज़ें गिफ्ट वगैरह, बट आप पहली बार ऐसा था, बट जो मेरे को बहुत बहुत मजा आ रहा है सच में, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है। तो जो भी है थैंक यू सो मच गाइस, मेरे को गिफ्ट मिल गया है। देन उसके बाद अभी हम चलेंगे झरना वाली जगह और थोड़ा सा वो भी दिखा दूंगा आपको कि कैसा है, बिकॉज मैं बहुत दिनों से आया हूँ ना घर से बाहर, इसलिए तो आज सारा मौका मिला है तो देख लो। बिकॉज बहुत सारे लोग भी कह रहे थे ना रोज घर घर का हो जा रहा है, इसलिए मैं आने का आज चलो, आज इनको भी बोला था कि मैंने आज संडे है आज चलते हैं। सो वही देखते हैं अब आगे क्या सीन होगा, मेरे को भी कुछ नहीं पता। गाइस अभी हम चल रहे हैं, निकल ही गए हैं और सीधा अब आपको झरने में लेके चलते हैं और वहाँ का व्यू देखोगे ना आपको तो दिल ही खुश हो जाएगा। तो गाइस ये जो रोड है ना रानी खेत से नीचे वाली, तो सीधे सीधे जो आगे से जा रही है, ये जा रही है बैसनाथ, आगे को बागेश्वर, कौसानी और जहाँ हम चले हैं वह झरने वाली रोड। बाकी मुझे नहीं पता है कि आगे कहाँ कहाँ जाता है, बट इतना पता है कि इस वाले रास्ते में झरना है। झरने की बात करता देखो क्या प्यारा लग रहा है ना। तो गाइस यार ये देखो रास्ते ऐसे रहते हैं, बट ओ पहुंच गए, देखो क्या प्यारा लग रहा है ना यार, वाओ। बात कर रहा था और कितना अच्छा है, देखा तुमने कितना सही लग रहा है ना। तो यहाँ तुम आओगे ना तो जब जगह पक्का आना, गर्मियों में आना, गर्मियों में यहाँ लोग नहाते भी हैं, बहुत सही भी रहता है। तो वैसे यार देखो तुम कितनी भीड़ हो गई है, फिर से अभी तक खाली था फिर भीड़ हो गई है। फिर यहाँ पे ब्लॉगर आए ना, उन्होंने मेरे फैन फैन आ गए सारे, हाय हाय करने लग गया मेरे को, इतनी भीड़ हो गई मुझे देखते ही गाइस, क्या बताऊँ तुम्हें। और मैं डर गया था, मैंने कहा क्या हो गया अचानक से, उन्होंने तो कार वार रुकी और सब नीचे पहुँच गए। हेलो हाय करने लग गया, मैं ब्लॉग नहीं बना पाया गाइस सॉरी, बट कोई नहीं, हाय वाय सबसे करके आया हूँ मैं और ये लोग रोज देखते हैं मेरा ब्लॉग। अबे साले समझ रहे हो ना, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अभी हम चल ही रहे हैं घर को और देखते हैं क्या है, फोटो शूट वगैरह सब हो गया, अब सीधा मलमोड़े को ही जा रहे हैं। अभी तक हम कोसी के अंदर थे, जहाँ भी गए घूमने सब कोसी के अंदर था, बट अब जा रहे हैं अल्मोड़ा वापस अपने घर। देखो यार ये देखो, गाइस अभी मैं धाम पे हूँ और बाकी मेरा गिफ्ट ये है, बर्थडे गिफ्ट और सरप्राइज भी दोनों। सो तो चले गए और मैं भी अब जा रहा हूँ घर को ही। तो मैं घर पहुंच गया हूँ, बाकी यार मैं बहुत थक गया हूँ और ऐसा ठंडा लग रहा है ना, क्या बताऊँ, मेरे तो हाथ ही काम नहीं कर रहे। मम्मी ने ये पूरा बना दिया है मंदिर हमारा, देखो ये क्या है मंदिर, वाह ये मम्मी ने खुद बनाया है, ये देखो दिया रखने वाला है गाइस, ऐसे बाहर भी आ सकता है इसको सफाई करने के लिए अंदर भी। ऑलराइट सो गाइस एक चीज और बतानी थी, हाँ जो कि ना बिंदु आज जा चुकी है और आज वो शायद
एक दो बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। तो वो सारा जो वीडियो है ना वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में देने वाला हूँ। वाली वीडियो में आपको देख के मजा आएगा। जैसे मैं कहूँगा अभी हम चल रहे हैं बिंदु के पास, तो बिंदु बिंदु अपना जो मैंने उससे कहा था ना वो सारी उसने अपने ब्लॉग बनाए हैं, जो जो वो वहाँ कर रही है वो ब्लॉग मैं अपने उसमें लगाऊंगा और दोनों हम ज्वाइन कर लेंगे ब्लॉग को। और बहुत ओपी रहेगा, एक ही ब्लॉग में आपको दोनों ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और सो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक ले बाय।